दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट इस हफ्ते का ये है, 2021 में जितने भी सर्चेस हुए हैं ऑनलाइन पे, अलग अलग सर्च इंजिन्स पे, खासकर गूगल पे, उन सब में से सबसे ज़्यादा सर्चेस हुए हैं हाउ टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट। मतलब कितने लोग इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और एक करियर बनाना चाहते हैं, इसलिए सर्चेस इतना ज़्यादा हुआ है, नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है गूगल सर्च के हिसाब से। और ये हुआ है कोविड की वजह से मेनली। उस टाइम पे बहुत लोगों ने अपना जॉब खो दिया था, उनके पास कोई चारा नहीं था कमाने के लिए, और बहुत लोग देख रहे थे कि उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे प्रॉपर्टी व्यापार से। और सबको पता है कि प्रॉपर्टी व्यापार कितना पैसा कमा के दे सकता है, वो सभी जानते हैं। इसलिए शायद बहुत लोग एक एजेंट बनना चाहते थे अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, या फिर एक जॉब पाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड का जॉब। इसलिए शायद लोगों ने इतना सर्च किया है गूगल पे, खासकर गूगल पे, डेटा ये कहता है। एक और रिसर्च है जो कहता है कि प्रॉपर्टीज का दाम अप टू 30% तक बढ़ सकता है आने वाले समय पे, क्योंकि प्रॉपर्टी को बनाने में जो मटेरियल्स इस्तेमाल होता है, ईंट, सीमेंट, रेत, आयरन, इन सब का दाम बहुत बढ़ गया है। साथ में जो लोग काम करते हैं, लेबर्स, उनका दाम भी बढ़ गया है, फीस बढ़ गया है, जिसके इफेक्ट में प्रॉपर्टीज का दाम बढ़ेगा, ऐसा मानना है कुछ डेवलपर्स का। अगर आप एक मार्केट में जाते हो और ढूंढते हो कि सामानों का दाम कितना बढ़ा है, तो आप जान सकते हो कि कितना बढ़ गया है सामानों का दाम। जिस घर को बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा था आज से 4 महीने पहले, उसी घर को बनाने के लिए आपको आज 25 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। सेम घर को, सेम डिजाइन के साथ, सेम लेबर फोर्स के साथ आपको 25 लाख खर्च करना पड़ेगा उसी सेम घर को बनाने के लिए। तो दाम कितना बढ़ गया है आप सोच सकते हो, और ये दाम बहुत बढ़ने वाला है आने वाले टाइम पे। डेवलपर्स ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि अफोर्डेबल सेगमेंट जो है 45 लाख रुपीज, उसे बढ़ा के 65 लाख रुपीज करना होगा, जिससे हम सही से बिजनेस कर पाए, व्यापार कर पाए। तो प्रॉपर्टीज का दाम अप टू 30% तक बढ़ सकता है, कोरोना का एक रिपोर्ट ये कहता है। इस हफ्ते का महत्वपूर्ण अपडेट्स दोस्तों यही था। रिसेंट बजट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है कि रिसेंट बजट प्रॉपर्टी सेक्टर को कैसे इफेक्ट कर रहा है और कैसे ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ला सकता है एज एन एजेंट, इन्वेस्टर या फिर डेवलपर। वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लेना। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।